लोगों ने सुना होगा आर्य, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। संक्षिप्त में बोलना है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोलूंगा। आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में आप सबने सुना है। संस्कृत वाले बताएंगे कि आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, परंतु इतिहास की किताबों में जो 2 किलोमीटर दूर JNU है, वहां जो रोमिला थापर पढ़ाती थी, जो नाम के आगे खुद ही एमिरेटस लीजेंडरी प्रोफेसर रोमिला थापर 4 विशेषण खुद ही लगा लेती हैं, इन सब इतिहासकारों ने बताया कि हम यहां के मूल निवासी नहीं है। मूल निवासी यहां के द्रविड़ थे और आर्य जो है मध्य एशिया से आए और उन्होंने हमको मार पीट के भगा दिया। और आर्य आए कब यहां पे, तो 1500 ईसा पूर्व जो है आर्य भारत में आए, उससे पहले नहीं आए। अब ये थ्योरी जो है झूठी हो चुकी है, हर प्रकार से झूठी हो चुकी है। मैं आपको बताता हूं ये फैलाई क्यों गई थी। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन मनता है और वो वर्जिन माता से उत्पन्न हुई संतान थे, जीसस क्राइस्ट उनका नाम था, सुना है आप लोगों ने। ऐसा बताते हैं कि जीसस के जो फादर थे उनका नाम जोसेफ था और जोसेफ से फिर उनकी लीनियज ढूंढी गई। एक उन्हीं की क्रोनोलॉजी में एक राजा आते हैं डेविड, उन्हीं में एक आते हैं अब्राहम, और फिर इन सब लोगों की ऐसे करते करते ये पहुंचे कि जीसस और आदम। क्रिश्चियनिटी ये मानती है कि दुनिया में सबसे पहले जो क्या है परमात्मा परमेश्वर है उसने आदम और हव्वा बनाए, तो आदम और जीसस के बीच में ये सारी लीनी जैसे ढूंढी गई, जोसेफ डेविड और अब्राहम होते हुए एडम तक गए। और इन्होंने माना कि टोटल, बाइबल का एक वर्जन कहता है कि जीसस और आदम के बीच में 71 जनों का जन्म हुआ टोटल। अब इन सब की अगर आप एक एवरेज एज जोड़ें तो लगभग ईसाइयत ये मानती है कि इस धरती की जो रचना है, भाई जब भगवान ने की तो पहले दिन आदम हुआ तो बना दिया, तो वो 6000 साल पहले हुई। अब कल को यदि कहीं ये प्रमाणित हो जाए, सिद्ध हो जाए कि इसी दुनिया में, इसी पृथ्वी पे, इसी मदर अर्थ पे 6000 वर्ष पूर्व भी कोई सभ्यता थी जहां वेद की ऋचाएं गूंजती थी, तो क्या होगा? तो मानव सभ्यता के इतिहास में बोला गया वन ऑफ द मोस्ट कैसे कहें एग्रीगीजियस लाई, मतलब सबसे बड़ा झूठ अगर कहूं तो वो झूठा हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन यह सिद्ध हो गया कि भाई 6000 साल पहले इस धरती की रचना नहीं, तो क्या होगा कि गॉड ने आदम को बनाया, झूठ हो गया। और जब यह झूठ हो गया तो फिर बाइबल झूठी हो गई, और बाइबल झूठी हो गई तो पूरी दुनिया में एक विचार जिसे मानने वाले सबसे अधिक हैं संख्या में, वो सब एक झूठ को जी रहे हैं। ये आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। और जब हम बात करते हैं तो संस्कृत वालों पे एक आरोप लगता है कि ये तो हिंदुइज्म वाले लोग हैं, ये विज्ञान से थोड़े दूर हैं। अब जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि संस्कृत वाले जो हैं वो साइंस से कोसों दूर होते हैं, ऐसा एक परसेप्शन मार्केट में है। आप में से किसी ने इसाक न्यूटन का नाम सुना है? न्यूटन का जिनके सर पे सेब गिर गया था, फिर उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण का बल होता है। फिजिक्स के कहने पर फादर कहा जाता है उनको, मतलब ऐसा कहूं तो साइंटिस्टों में, अव्वल दर्जे के साइंटिस्टों में न्यूटन का नाम है। न्यूटन ने अपनी किताब प्लेनेटरी मोशंस, एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ए स्मॉल प्लेनेट नाम की किताब है, उसके अकॉर्डिंग इसाक न्यूटन ये मानते हैं कि इस धरती की रचना 4000 ईसा पूर्व हुई है। एक जॉन्स केपलर थे, प्लेनेटरी मोशन के ही जानकार माने जाते हैं, उनके अनुसार इस धरती की रचना 2977 साल पहले हुई है ईसा पूर्व। यानी इसाक न्यूटन और जॉन्स केपलर जैसा साइंटिस्ट भी चर्च के उस डोमेन से बाहर नहीं आ पाया कि इस धरती की रचना 6000 साल पूर्व हुई। खैर, एक आर्य शर्मा है, JNU में पढ़ाते थे, इतिहासकार रहे, उन्होंने लिखा कि आर्य भारत में आए। इसका हमारे पास सबसे बड़ा प्रमाण है कि आर्य घोड़ों पर आए और भारत में घोड़े मिलते नहीं हैं। उनकी किताब है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, उसी में पहले चैप्टर में लिखते हैं कि आर्य घोड़े लेके आए पर भारत में घोड़े मिलते नहीं है। भारत में पर लोथल में खच्चर मिला है। अब कोई भले आदमी आर्य शर्मा से पूछे कि खच्चर पैदा कैसे होता है, जहां तक मेरी जानकारी है घोड़े और गधे का हाइब्रिड खच्चर होता है। तो ऐसे हम लोगों को इतिहास में झूठ पढ़ाए गए। दूसरा एक इतिहास में आप सबसे पूछता हूं, आप में से कितने लोगों ने सती प्रथा का नाम सुना है? सबने सुना है, हाथ नीचे कीजिए। हमारी कौन सी किताब सती को लीगलाइज करती है? आप सब संस्कृत के छात्र हैं, बता सकते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं भारत में सबसे पहली बार सती प्रथा को लीगलाइज किसने किया था, तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, इस देश भारत दैट इज इंडिया या इंडिया दैट इज भारत, आप जो भी कहें, इस देश में सती प्रथा को ऑफिशियली लीगलाइज करने वाले अंग्रेज थे। चार्टर एक्ट 1813 का था।
जब लीगलाइज किया था तो इसी बंगाल के क्रांतिकारियों ने इस बात का विरोध किया था। और खूबसूरती देखिए गोरे साहबों की कि 1813 में जिसे लीगलाइज किया 1829 में उसे एबोलिश करके तालियां भी पिटवाई और हमको बताया कि हमारे पुरखे महिलाओं को जीवित जला दिया करते थे। और ऐसा बता दिया गया कि हिंदुओं में जिस पुरुष की मृत्यु हो जाती थी उसकी पत्नी को जबरदस्ती जिंदा जला देते थे। 1757 में बंगाल जो है नवाब सिराजुद्दौला की जब हार के बाद अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था, ब्रिटिश की वो सीट थी बंगाल में। 1824 में 2.5 लाख जो पुरुषों की मृत्यु का एक डाटा है, जो 2.5 लाख लोग मरे उसमें सती के केसेस पता है कितने, 600। अगर आप प्रतिशत में करेंगे तो 0.02% बनता है। 2.5 लाख मर्द मरे, इनमें से सिर्फ 600 ने, उनकी महिलाओं ने सती किया। इतनी प्रेवलेंट थी तो 2% 5% तो होता। चलिए कह सकते हैं कि अंग्रेज थे, उन्होंने रिफॉर्म कर दिया था। हम ब्राह्मणवादी बनारस चले आते हैं जहां पे पंडितों का शासन था, जो विली ब्राह्मण्स होते हैं। बनारस में 1820 से लेकर 1829 9 साल का अंग्रेजों का डाटा है। आप लोग जहां मर्जी जाके फैक्ट चेक कर लीजिएगा, मात्र 125 केसेस हुए सती के। तो आप बताएं क्या भारत में बनारस में केवल 9 साल में 125 लोग मरे थे? हमको बताते हैं कि शोषण हुआ, हिंदुओं ने शोषण किया, ब्राह्मणों ने शोषण किया, शिक्षा व्यवस्था से वंचित रखा। एक धर्मपाल है, पुष्पेंद्र जी बहुत नाम भी लेते हैं, पुष्पेंद्र जी ने मुझे नाम बताया जो था, उनकी एक किताब है द ब्यूटीफुल ट्री। अंग्रेज जब भारत में शिक्षा व्यवस्था लेकर आए तो मैकॉले का नाम हम सबने सुना है, तो वो सर्वे अंग्रेजों ने करवाया। इस चीज को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। एक वुड्स डिस्पैच आया था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या बनने जा रहा है। 1830 से 1835 के सर्वे में करने वाले का नाम था विलियम एडम। वो बताता है कि बिहार के एक जिले में 6 शिक्षकों की जाति पता है क्या थी? आप कल्पना कीजिए 1831 में 6 जिलों में एक, मतलब जो सर्वे हुआ पूरा 1 लाख स्कूलों का, उसमें 6 शिक्षकों की जाति क्या रही थी? चांडाल जाति। अब आप मुझे ये बताएं, यदि इतना ही शोषण होता था तो चांडाल शिक्षक कैसे हो गया, वो भी 1830 से 35 के बीच में? तो ये कुछ कुछ जो मैं आप लोगों को चीजें बता रहा था। आप सबने सती सुना है, जौहर आप में से किसने सुना है? फिल्म आई थी उसके बाद कितनों ने सुना है, और फिल्म आने से पहले कितने जानते थे? ठीक है, नीचे कीजिए। हाँ, जौहर क्यों होते थे? हम अधिकांश यहां पुरुष बैठे हैं, हम लोग पता नहीं खुद खाना बनाते हो ना बनाते हो, भंडारे में सब्जी खाई होगी आलू की, वो यहां ऊपर तालू में लग जाती है तो ऐसे करने लगते हैं ना, जीभ में जल गई नहीं। आज घर जाइएगा, गर्म तवे को छू के देखिएगा कितना आनंद आता है। जौहर में हमारी माए जो है तुलसी जी का पत्ता और गंगा जल अपने मुंह में रख के अग्नि में प्रवेश कर गई, अग्नि का स्नान कर लिया। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि मृत्यु के 36 प्रकार होते हैं, उसमें सबसे क्रूरतम प्रकार होता है अग्नि में जीवित जल के अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लेना। हमारी माओ ने जौहर जैसा ट्रोमेटिक प्रोसेस क्यों चुना अपने प्राण देने के लिए? तो उसका मात्र एक कारण था, अंग्रेजी का एक शब्द होता है नेक्रोफिलिया, उसका अर्थ होता है सेक्स विद डेड बॉडीज। ये जो मलेच्छों ने हमारे देश पर आक्रमण करा, ये पुरुषों को मार देते थे, महिलाओं को सेक्स स्लेव बना लेते। हमारी वीर माओ को पता था कि पुरुष पराजित हो जाएंगे तो हमको सेक्स स्लेव और कंक्यूबाइन से ज्यादा कुछ नहीं जीवन मिलने वाला, प्राण दे दे। परंतु उनको पता था कि प्राण दे देने के बाद भी उन मलेच्छों से हमारी इज्जत नहीं बच सकती, इसलिए उन्होंने अग्नि से जल के मृत्यु को स्वीकार किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मैं आपको ये बता रहा हूं ये चीज खुद एक है भाई साहब, उन्होंने अपने जीवन में प्रैक्टिस की थी। मैं उनका नाम ले दूंगा तो मेरे लिए सरतन से जुटा के नारे लग जाएंगे। ये हदीस का हिस्सा है, सोचें हमारी। जैसे अगर आप लोगों को लग रहा हो कि ये तो बहुत पहले हुआ, अब नहीं होगा, अब तो मोदी जी की सरकार आ गई, दुनिया बहुत आगे हो गई, सब हो गया, तो 2015 का पाकिस्तान हाईकोर्ट का एक जजमेंट है। पाकिस्तान बांग्लादेश में कोई जवान लड़की की मृत्यु होती है तो उसके घर वाले 7-10 दिन उसकी कब्र की रखवाली करते हैं, क्योंकि वहां पर केसेस हैं ग्रेव में से डिग करके रेप करने के। आप लोग जाके इंटरनेट पर जांच सकते हैं। ये सब झेलते हुए हमारे पुरखों ने हमको परंपरा में ये सिखा दी, हमको टीका दिया, तुलसी दी, गायत्री दी, गाय दी, गंगा दी, गीता दी। ये कुछ कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, बस इसलिए बता रहा हूं कि आप सबको पता रहे कि आप सब लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ में पढ़ रहे हैं और हिंदू हैं। तो हिंदू एक्सीडेंटल हिंदू भारत में एक हो गया, वही पर्याप्त था, हमें और एक्सीडेंटल हिंदुओं की आवश्यकता नहीं है।
जब पढ़ते हैं तो दिल्ली में आप सब लोग रहते हैं, अभी मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली में सबसे पुराना मंदिर और बड़ा मंदिर कौन सा है? भाई दिल्ली तो 1206 में दिल्ली सल्तनत बन गई थी, मैं तो संघियों का इतिहास, पुष्पेंद्र जी का इतिहास, ब्राह्मणवादियों के इतिहास की चर्चा ही नहीं कर रहा कि इंद्रप्रस्थ था, पांडवों की राजधानी थी, मैं तो रोमिला थापर के इतिहास की ही बात कर रहा हूं। आपको पता है इस दिल्ली में, ये जो गुलामों की दिल्ली है, इस दिल्ली में सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा जो मंदिर है उस मंदिर का नाम है बिरला मंदिर, 1939 में बना था। तो आप सोचे हमारे पुरखे जिन्होंने दक्षिण भारत में इतने विशाल काय मंदिर, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि हम सब तो बिल्कुल अवैज्ञानिक लोग थे, हमको इसमें तो कुछ मतलब ही नहीं था, कर्मकांडी लोग थे, तो हमने मंदिर क्यों नहीं बनवाए इस दिल्ली में? क्योंकि इस दिल्ली में 1206 को ही जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी तब से मंदिरों का निर्माण वर्जित था। एक धिम्मी शब्द होता है, धिम्मा की 22 शर्तें होती हैं। उमर ने जब सीरिया को फतेह किया, जो उनके दूसरे खलीफा थे, तो सीरिया के ईसाइयों से इन्होंने 22 शर्तें लिखवाई थी, कि उसमें एक शर्त थी कि हम काफिर अपने नए पूजा घरों का निर्माण नहीं करेंगे और जो हमारे पूजा घर टूट गए हैं उनका रिकंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। ये धिम्मा का स्टेटस हम हिंदुओं ने इसी दिल्ली में 700 सालों तक झेला था। आप सोचें हमारे पुरखों ने क्या क्या झेला होगा। मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, पुष्पेंद्र जी का समय होने वाला होगा बोलने का। एक दो चीज आप लोगों को बता दूं, जो मैंने आपको बताया कि ये बताते हैं कि आर्यंस ने 1500 बीसी में हमको इन्वेड किया था। सरस्वती नदी के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, जाना होगा, पढ़ते होंगे। जितने भी प्रकार हो सकते हैं वैज्ञानिक तरीके के, उन सबका यह कहना है कि सरस्वती नदी यहां बहती थी। 5000 ईसा पूर्व उस नदी ने सूखना प्रारंभ कर दिया था और 3000 ईसा पूर्व आते आते वो नदी पूर्णतः सूख चुकी थी। 1800 ईसा पूर्व आते आते यहां से कोई नदी बहती थी इसका भी प्रमाण नहीं उपलब्ध था। और फोन तो था नहीं कि वीडियो बना ली हो किसी ने कि यहां पर नदी बहती थी, रील बना ली हो किसी ने। अब यदि इनकी माने तो 1500 ईसा पूर्व आर्यंस है, यानी सरस्वती नदी के पूर्णतः सूख जाने के 300 साल बाद। फिर उन्होंने पहले यहां के लोगों को मार पीट के भगाया, फिर 4 वेदों की रचना करी और उस वेद में सबसे प्रमुख नदी का स्थान उस नदी को दिया जो 300 साल पहले ही पूर्णतः सूख चुकी है। उन्हें पता कैसे लगा? परंतु जैसे पुष्पेंद्र जी ने बताया कि एक मोनोपोली थी आज तक। 1971 में जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी और जब उनको 40 सीटें कम पड़ रही थी तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से समर्थन लिया, 40 सांसदों का समर्थन मिला और भारत के शिक्षा मंत्री बन गए सैयद नूरुल हसन। सैयद नूरुल हसन ने 1972 में ICHR की स्थापना करी। सैयद नूरुल हसन से पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे DKRV राव, आरसी मजुमदार नाम के एक इतिहासकार हुए, 11 खंड में उनका हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब है, भारतीय विद्या भवन मंडी हाउस से मिलेगी, KM मुंशी जी ने बनाया था। VKRV राव ने उन 11 वॉल्यूम का ट्रांसलेशन भारत की हर वर्नाकुलर लैंग्वेज में करने का आदेश पारित कर दिया था। सैयद नूरुल हसन ने शिक्षा मंत्री बनते ही सबसे पहले उस ट्रांसलेशन को रुकवाया। जगन्नाथ सरकार, जिनके बिना भारत में मिडिवल हिस्ट्री की पढ़ाई पूरी नहीं मानी जानी चाहिए, उन जगन्नाथ सरकार को सिलेबस से बाहर फेंक दिया गया और उनके बदले कंटेम्प्रेरी में खड़ा कर दिया गया इरफान हबीब को। वो इरफान हबीब जिसका बाप मोहम्मद हबीब, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाता था, उसने ये थ्योरी गढ़ी कि हिंदू मंदिरों को इसलिए तोड़ा जाता था क्योंकि वहां पे धन रखा रहता था। आप लोग जब सोमनाथ के बारे में डिटेल में पाएंगे तो पता लगेगा, जब गजनी और ये गोरी पहुंचे थे तो हमारे जो है हिंदू थे उन्होंने कहा था कि सारा सोना ले जाओ, हमारे आराध्य को, हमारी मूर्तियों को छोड़ दो। तो उसने कहा था कि मैं इस कुफ्र को बर्दाश्त करने वाले के नाम पर नहीं जाना चाहूंगा। ये सब चीजें हम लोगों ने झेली हैं। अंतिम बात करके अपनी समाप्त कर दूंगा ताकि आप सब लोगों को कोई ऐसा ना रहे। 1200 साल हम संघर्ष के कालखंड में रहे, है ना। यदि मैं आपसे पूछूं कि 1200 साल में हमने क्या क्या खोया है तो उसकी कल्पना तो हम सब लोग मिलकर भी नहीं कर सकते। परंतु मैं आपको बता दूं 1200 साल में हमने क्या क्या बलिदान किया है। पिछले 1200 सालों में हम हिंदुओं के पुरखे केवल और केवल हिंदू होने के कारण मार दिए गए। और कितने मार दिए गए? 1, 2, 500, 1000, 2000, 50000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, 90 मिलियन।
9 करोड़ लोग मार दिए गए 1200 साल में। अगर आप इसकी एवरेज निकालेंगे तो हर साल 75,000 हिंदुओं को केवल हिंदू होने के कारण मार दिया गया, और ये 1200 साल का सिलसिला है, एक साल में 12 महीने होते हैं। हर महीने जाएंगे तो 6250 हिंदुओं को केवल हिंदू होने के कारण मार दिया गया। एक साल में 12 महीने होते हैं और 1200 साल में कितने महीने होंगे आप जोड़ लें। प्रतिदिन 208 हिंदुओं को इस भारत देश में मारा गया इन इस्लामी आक्रांताओं के द्वारा, केवल और केवल एक कारण था कि वो हिंदू थे, काफिर थे। अभी जब लोग आप इस सभागार में आए थे और जब आप जाएंगे तो मेरे ख्याल से आप लोग 2 घंटे का कार्यक्रम सुन के जा रहे होंगे, हर घंटे 1200 साल तक, 1200 साल में जितने घंटे हो जोड़ लीजिएगा, 8 हिंदू ऑन एन एवरेज मारा गया है केवल और केवल हिंदू होने के कारण। और ये डाटा मेरा पुष्पेंद्र जी का नहीं है, ये डाटा है KS लाल और विल डुरांट का। तो ये बस मैंने आपको थोड़ी बहुत चीजें बता दी, आपको हिस्ट्री की बुक्स में मिलेंगी नहीं, तो आप लोग इसको खोजें। सीताराम गोयल नाम के एक ऋषि हुए थे, उनकी जो किताब मिले उसे ढूंढ के पढ़ें। और आप सब लोगों ने इतनी देर तक सुना उसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम।